देखो जी, ऐसा है एलपीजी में फ़र्क तो पड़ता ही है, और हम हैं आम इंसान, क्योंकि जिस तरह से इनका रेट बढ़ रहे हैं दिनों दिन, उस तरह से ये जाकर के 900 रुपये या 1000 रुपये पर जाके सिलेंडर रुकेगा, लेकिन आम आदमी को कमाने के लिए कितना संघर्ष और करना पड़ेगा, और इससे आप समझ सकते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। वैसे सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। पेट्रोल पे भी बढ़े हैं, तो आने वाली जो व्यवस्था है वो तो सरकार को सोचना चाहिए। जितना उनको मिल रहा है उतना बढ़ना नहीं चाहिए, कम से कम कम होने चाहिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है उस हिसाब से पेट्रोल का आपको पता ही है कितना तो वेस्टेज हो जाता है। वेस्टेज होने से इनकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए रेट कम होने चाहिए, जिससे सरकार को फ़ायदा भी हो और उसमें बढ़ावा भी मिले। एलपीजी से हमें बढ़ाने से तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि सब्सिडी तो इन लोगों ने ख़त्म कर दी है, और ख़त्म करने से जो महिलाओं हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि अकाउंट में जाता था पैसा, तो वो लोग महिलाएं वो अपने पास मतलब अपने अकाउंट के लिए वो जमा कर लेती थी, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। घरेलू जो हमारे जो खर्चे होते हैं उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो गई है आगे। ये कहेंगे कि बढ़ती महंगाई को देखकर बहुत ही परेशान हो रही है जनता, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देखो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या करें, मजबूर हो रही है सरकार, क्या होगा, परेशान हो रहे हैं, ऐसे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है, काम धंधा है नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है खड़ी। हम सेना की तैयारी कर रहे थे, अब सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ रही है इस महंगाई को देख के, कहीं वो भी नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। आम आदमी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एलपीजी गैस, अगर ये ठीक रेट पे नहीं मिलेगी तो जो आम मजदूर या जो हमारी सरकार ने जो फ्री में गैस सिलेंडर बांटे हैं, और उनको अगर फ्री में गैस नहीं दे पा रहे, या तो उनको वो सिलेंडर फ्री दे दें, साल में 6 सिलेंडर उनको फ्री दे दें, भले ही फिर एलपीजी के रेट बढ़ाते रहे, तो फिर कोई आम पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।